हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कुकरी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल कुकरी पॉइंट पर। दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं ब्रेड पकोड़ा। इसे ब्रेड डीप फ्राई सैंडविच भी कहते हैं, या ब्रेड पकोड़ा भी आप इसे कह सकते हो। मैंने इसके लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स आपको बता दूं एक बार। यहाँ पर मैंने लिया हुआ है एक बड़ी कटोरी भरकर बेसन। यहाँ पर मैंने लिए हुए हैं कुछ ब्रेड स्लाइस। ब्रेड स्लाइस मैंने ऐसे दो दो रखे हैं और फिर इसे नाइफ की मदद से कट कर लिया है। आप जो चाहे शेप में इसे कट कर सकते हो। यहाँ पर मैंने लिए हुए 5 से 6 आलू। उबले हुए आलू का छिलका उतार कर मैंने उसे मैश कर लिया है। इसके अलावा हमारे पास यहाँ पर है नमक। स्वादानुसार नमक यूज करेंगे। ये मैंने हरी चटनी ली हुई है। हरी चटनी में मैंने यूज किया हुआ है 5-6 हरी मिर्चें, 8 से 10 लहसुन की कलियां और 2 इंच अदरक का टुकड़ा। और इसे मिक्सर में मैंने बारीक पीस लिया है। यहाँ पर मैंने तड़के के लिए लिया हुआ है जीरा और राई। आधा छोटा चम्मच मैंने भरकर लिया हुआ है। यहाँ पर है मेरे पास हींग और खाने वाला मीठा सोडा, दोनों भी मैंने एक एक पिंच लिया हुआ है। यहाँ पर है हल्दी पाउडर और बारीक कटा हुआ हरा धनिया। अब डीप फ्राई करना है हमें। इसके लिए हमें लगेगा ऑयल। पहले हम उसके लिए आलू की सब्जी बना लेते हैं। इसके लिए मैंने पैन गैस पर ऑलरेडी तेल डालकर चढ़ा दिया है। ऑयल जो है बहुत अच्छी तरह से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। ये मैंने डाल दिया जीरा राई। जैसे ही हमारे जीरा और राई फूटने लगेंगे, पक जाएंगे ऑयल में, उस वक्त हम इसमें डाल देंगे 1 पीस हींग। ये हमने डाल दिया हींग भी। तुरंत बाद हम इसमें डाल देंगे हरी चटनी जो कि हमने पीस के रखी हुई थी। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और पका लेंगे। ये हरी चटनी भी अभी ऑयल में पक चुकी है, तो हम इसमें डालेंगे इस वक्त हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे और तुरंत हम इसमें डालेंगे मैश किए हुए सभी आलू। आलू डालने के बाद हम फ्लेम को एकदम लो कर देंगे और उसमें डालेंगे स्वादानुसार नमक। नमक डालने के बाद हम इसमें डालेंगे ढेर सारा हरा धनिया। धनिया पत्ती डालने के बाद तुरंत हम इसे अच्छे से इस तरह से दबाते हुए मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से मिक्स होने के बाद हम इसे 2 से 3 मिनट तक ढक्कन लगाकर पकाएंगे। सब्जी के लिए बहुत ही कम ऑयल यूज करेंगे क्योंकि बाद में हमें सैंडविच जो है डीप फ्राई करना है। इसलिए 2 मिनट बाद मैंने इस सारी सब्जी को इस तरह से थाली में निकाल लिया है क्योंकि इसे अब ठंडे होने देना है। इस तरह से हम इसे ठंडा कर लेंगे। तब तक मैं आपको बताती हूँ बेसन के बैटर को किस तरह से बनाना है। यह है बेसन। बेसन में हम डालेंगे 1 चुटकी मीठा सोडा, या इसे खाने का सोडा भी कहते हैं। स्वादानुसार नमक। नमक डालते वक्त एक सावधानी बरते कि हमने सब्जी में भी नमक डाला हुआ है तो सिर्फ बेसन भर का ही हम नमक डालेंगे। उसके लिए जितनी ज़रूरत होगी उतना आप अपने स्वादानुसार डालें। अब हम इसमें ज़रूरत के मुताबिक पानी भी ऐड करेंगे। हमें इसका एक पकोड़े के लिए हम जितना पतला आटा लगाते हैं बेसन का, उससे भी पतला बैटर हमें इसके लिए लगेगा। ये हमारा बेसन का घोल जो है बैटर बनकर रेडी है। हम इसमें डालेंगे अब अजवाइन। अजवाइन ऑप्शनल है, आप डालना चाहते हो तो डालिए, नहीं डालना चाहते तो कोई बात नहीं। बैटर देख लीजिए एक बार, इतना पतला बैटर हमें इसका बनाना है। बहुत ज़्यादा गाढ़ा हमें नहीं चलेगा। इस तरह से हम दो ब्रेड की स्लाइस ले लेंगे और एक के ऊपर हम लगाएंगे आलू वाली सब्जी जो कि हमने बना के रखी थी। इस तरह से अच्छे से हम सारी जगह पे आलू की सब्जी लगा कर फिर उसके ऊपर हम दूसरा ब्रेड का स्लाइस लगा कर इस तरह से दबा देंगे अच्छी तरह से। और फिर हम इसे इस तरह से बेसन में डिप करेंगे। मैंने पहले से ही ऑयल फ्राई करने के लिए गरम करके रखा हुआ था। देख लीजिए, इस तरह से बेसन में डिप करने के तुरंत बाद हम इस तरह से इसे ऑयल में छोड़ देंगे। एक बार फिर से देख लीजिए, इस तरह से हर तरफ से हम बेसन में इसे कोट करके ऑयल में छोड़ देंगे। इसी तरह से हम हमारे सारे ही बना लेंगे, फिर दिखाएंगे आपको। फ्लेम को मीडियम ही रखें
और इस तरह से दोनों तरफ से स्टर करते हुए इसे ऑयल में अच्छी तरह से फ्राई कर ले। दोनों ही तरफ से हमारे ब्रेड पकोड़े जो है पककर रेडी है। अब हम इसे निकाल लेते हैं। इस तरह से आप टेस्टी ब्रेड पकोड़ा बनाइए या फिर इसे डीप फ्राई सैंडविच कहिए बनाइएगा। और आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी ये हमें कमेंट्स में ज़रूर ज़रूर बताइए। आपने अब तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय एंड एंजॉय।